हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है कि सोल फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस क्या लेना कंपलसरी है, यस या नो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं। और इसका पूछे जाने का रीज़न यही है कि आप सभी को पता होगा कल से ऑनर कोर्सेज की जो क्लासेस हैं वो शुरू होने वाली है, जिसमें आपका बी ए इंग्लिश ऑनर्स, बी ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और आपका बी कॉम ऑनर्स की जो क्लासेस हो कल से शुरू होने जा रही है। बाकी प्रोग्राम की क्लासेस इस महीने तो जब मुश्किल है कि शुरू हो, अगले महीने से प्रोग्राम कोर्सेज की भी क्लासेस शुरू हो जाएगी। बट इसी के बीच कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे, सर के क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी है, क्या इससे अगर हमारे एग्ज़ाम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या इससे कोई ऐसा तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर हम क्लासेस ज्वाइन नहीं करते तो हमें एग्ज़ाम में ना बैठने दिया जाए, तो ऐसा कुछ है या नहीं? तो आज हम इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस साल एसओएल में फर्स्ट ईयर में फ्रेश एडमिशन या फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एडमिशन लिया है। तो देखिए, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सोल ने फाइनली क्लासेस कल से शुरू कर दी है ऑनर्स कोर्सेज के लिए, और आप सभी को SMS आ गया होगा। जिनको SMS नहीं भी आया है उनसे भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये वीडियो आपके लिए भी है। जिनको आ गया उनके लिए तो है, और जिनके पास नहीं आया उनके लिए तो खास कर है। देखिए, पहली चीज़, क्लासेस जो सोल की होती है वो दो मोड पर होती है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। अभी जो क्लासेस हो रही है वो ऑफलाइन हो रही है, ऑनलाइन मोड पे भी कोई क्लासेस नहीं दी जा रही। यानी कि अगर आपको क्लासेस लेना है तो आपको जो SMS में जो कॉलेज आया है उसी कॉलेज में जाके आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बाई चांस अगर आपको मैसेज नहीं आया है, तो अगर आपका जो कोर्स है वो सेम है प्लस आपके फ्रेंड का जो कोर्स सेम है, तो आप अपने फ्रेंड के कॉलेज में जा सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं। अगर आपको SMS आया हो या नहीं आया, सब इतना कन्फर्म होना चाहिए कि आपका कोर्स सेम होना चाहिए और उसका भी कोर्स सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब एक चीज़ और, क्या क्लासेस कंपलसरी होती है सोल की फर्स्ट सेमेस्टर की? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सोल की क्लासेस होती हैं वो कंपलसरी नहीं होती है। दोबारा बता रहा हूँ, सोल की जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस होती हैं वो कंपलसरी नहीं होती है। देखिए, इसको ODL इसीलिए कहते हैं क्योंकि ODL के अंदर सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आप पास नहीं हो पाओगे, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। बट अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड करते हो तो इससे आपकी डिग्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम में कोई इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अटेंडेंस आपकी लगती हो, इसमें अटेंडेंस का कोई सिस्टम नहीं है। ये जो क्लासेस होंगी आपकी संडे टू संडे होंगी, एग्ज़ाम शुरू होने से एक दिन पहले तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, और क्लासेस कंपलसरी नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो चले जाना, नहीं जाना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप घर पर रह के भी स्टडीज अपनी कर सकते हो, क्लासेस कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट बाय चांस जैसे उसको SMS नहीं आता है, और अगर वो ऐसे क्लास ज्वाइन करने जा रहा है, क्या उसको एंट्री मिलेगी? या आपको एंट्री मिल जाएगी, बस शर्त यह कि उन कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए। अभी जो क्लासेस स्टार्ट हुई है वो ऑनर्स कोर्सेज की हुई है, प्रॉपर सारे कोर्सेज की अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। बट आप अपने ID कार्ड से एंट्री ले सकते हो, आपको क्लासेस में अटेंड आप ले सकते हो, ठीक है। अब बाकी प्रॉब्लम वाली कोई बात है नहीं, लेना चाहते हो ले लीजिए, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस इसमें होती नहीं है, काउंट होती नहीं है, यानी एग्ज़ाम पे इसका कोई भी इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ना डिग्री पे ना एग्ज़ाम पे, ठीक है। और एक चीज़ और स्टूडेंट पूछते हैं, सर जो ये क्लासेस होती हैं तो इसके अंदर जो स्टडीज़ होती है किस तरीके की होती है? तो मैं देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पहली चीज़ आप समझ लीजिए, कॉलेज में और स्कूल में यही अंतर होता है कि कॉलेज में सबसे ज़्यादा आपको लेक्चर्स सुनने को मिलते हैं, मतलब इसमें लिखना कम होता है, सुनना ही आपको ज़्यादा देगा। मतलब जो प्रोफेसर होगा वो लेक्चर में आपको ज़्यादा समझाएगा, लिखना कम करवाएगा, लिखना आपको पड़ेगा, वो लेक्चर देगा, ठीक है, क्योंकि कॉलेज है। और बाकी मोस्टली स्टूडेंट की ये भी वो रहती है कि सर अगर बाई चांस हम क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या ऐसी कंडीशन में अगर बाद में हम क्लासेस लेना चाहे तो क्या हम ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई भी क्लास मिस करते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लासेस कंपलसरी नहीं है। बाकी तो मैं यही कहूँगा, जिनको SMS आ गया है आप जाना चाहते हो चले जाइए, कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर स्टडी मटेरियल है तो लेकर चले जाना, नहीं है तो भी ऐसे खाली हाथ जा सकते हो, एक बैग रख लेना, उसमें रजिस्टर रख के आप ऐसे विजिट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आपको अपने आसपास के जो फ्रेंड्स जोन भी मिल जाएगा, आपको फ्रेंड भी बन जाएंगे नए नए, कॉलेज भी देखने को मिल जाएगा कि कॉलेज कैसा होता है, क्योंकि ये जो क्लासेस होती हैं ये रेगुलर के कॉलेज में ही आपकी अटेंड होती है, ठीक है। तो रेगुलर के कॉलेज ही आपको दिया गया है, अभी अलॉट किया गया है स्टडी सेंटर, बाकी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बाद में बताऊँगा। तो
तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगी इसी चैनल के माध्यम से आपको मैं दे दूंगा। थैंक यू।